सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बेब्रेड फीक। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कंप्लीट कंपैरिजन करने वाले हैं अपने दो बेब्रेड्स का, जिसका नाम है ट्विस्टेड टेम्पो और जो दूसरा बेब्रेड है उसका नाम है जिलियन जेट्रॉन जेट टू। सो गाइस, आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो को सबसे पहले अपने ट्विस्टेड टेम्पो से। तो ये है गाइस ट्विस्टेड टेम्पो। आपने पहले भी हमारी वीडियो में इसका रिव्यू देखा हुआ है, पर आज हम कंप्लीट रिव्यू और कंपैरिजन करेंगे और दोनों बेब्लेट्स का बैटल भी करेंगे। सो गाइस, ये जो है ट्विस्टेड टेम्पो, ये मेटल बेब्लेट है जैसे कि आपको पता है, और इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। हमने पहले भी इसको वीडियोज़ में, अपने बहुत सारे वीडियोज़ में यूज़ करके भी देखा है, तो इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ए ग्रेड है, नंबर वन है। और गाइस, आपको जैसे कि पता है, इसमें हमें दो टिप्स मिलती हैं, एक तो ये है प्लास्टिक में और एक है गाइस ये मेटल में। तो हम, ये चेंजेबल है टिप्स, तो हम इनको लगा के प्लास्टिक लगाएंगे तो परफॉर्मेंस थोड़ी इसकी अलग से होगी, और मेटल की लगाएंगे तो परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी डिफरेंट होगी। और गाइस, मैं आपको बता दूँ कि इसके साथ हमें जो लॉन्चर मिलता है वो ये भी लॉन्चर हम यूज़ कर सकते हैं और ये भी लॉन्चर यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही लॉन्चर्स में ये बिल्कुल फिट हो जाता है, बट जो इसकी परफॉर्मेंस है वो दोनों लॉन्चर्स में बिल्कुल डिफरेंट है। आप देख सकते हैं, ब्लू लॉन्चर में भी हमने लगाया और ब्लैक लॉन्चर में भी हमने लगा लिया। दोनों लॉन्चर में हम यूज़ कर सकते हैं। और ये साथ में लॉन्चर की कॉर्ड है, ये वाली है ब्लू लॉन्चर की और ये वाली है ब्लैक वाले लॉन्चर की। सो गाइज, अब हम जो दूसरा अपना बेबलेट आपको कंप्लीट रिव्यू करेंगे वो है ये बर्स्ट वाला बेबलेट। तो गाइज, ये बर्स्ट वाला बेबलेट है, इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो मेटल वाले से बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी में होता है, क्योंकि गाइज इसमें जब ये बैटल में हम इसको यूज़ करते हैं तो ये बर्स्ट होने के कारण, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे बर्स्ट हो गया मान लीजिए, तो बर्स्ट होने के कारण इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। ये जो इसकी नीचे टिप है ये भी हैवी क्वालिटी में इसका प्लास्टिक होता है, तो कि जब भी हम इसे बर्स्ट हो तो ये ब्रेक ना कर जाए। और गाइस, इसका जो लॉन्चर है ये हमारे मेटल वाले लॉन्चर से भी बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी में है, और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, नंबर वन क्वालिटी में है और वन ऑफ द बेस्ट लॉन्चर्स में से एक है। ये इसकी लॉन्चर, ये लॉन्चर की इसकी कॉर्ड है, ये लॉन्चर है और ये लॉन्चर की ग्रिप है। हम इसे ये लॉन्चर के साथ लगा के, जैसे कि आपको पता है, इसको लॉन्च कर सकते हैं। ये विदाउट लॉन्चर कॉर्ड्स हैं, ये सिर्फ लॉन्चर के साथ आते हैं जो मेटल में है। और गाइस, इसकी क्वालिटी दोनों की बहुत बड़ी है। सो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इन दोनों ही बेबलेट्स को हमने यूज़ करके देखा है अपनी वीडियोज़ में भी और बैटल्स में भी, इनकी क्वालिटी दोनों ही एक्सीलेंट है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी में। सो गाइज, मैं आपको जल्दी से एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो टिप्स है ये तो चेंजेबल है मेटल में, बट जो बर्स्ट वाले में है इसकी टिप चेंजेबल नहीं होती है। जैसे आप देख सकते हैं, एक ही तरह की टिप आती है, आप इसी को सिर्फ बर्स्ट में यूज़ कर सकते हैं और कोई आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो गाइज, अब जल्दी से आप सबको एक और मज़ेदार वीडियो में लेके जाते हैं जिसके साथ हम इनका बैटल करवाएंगे, और इनका बैटल हम सिर्फ ये वाले स्टेडियम में नहीं, हम छोटे वाले स्टेडियम में भी करवाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इनका बैटल। सो गाइस, गेट रेडी फॉर द बैटल। और एज यूजुअल आज फिर मेरे पार्टनर के साथ हम बैटल करेंगे। सो मैं चलाऊंगा बर्स्ट वाला और ये चलाएंगे मेटल वाला। और गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं बैटल शुरू होने से पहले कि ये जो है मेटल वाला बेबलेट, ये राइट स्पिन बेबलेट है और ये डिफेंस टाइप है, और जो ये बर्स्ट वाला बेबलेट है ये लेफ्ट स्पिन बेबलेट है और स्टेमिना टाइप है। इसका स्टेमिना थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, बट जैसे कि हमने पिछली वीडियोज़ में भी देखा है, मेटल्स थोड़ा वीक रह जाता है बर्स्ट होने के कारण, ये जल्दी से बर्स्ट हो जाता है। तो देखते हैं आज गाइस क्या होता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं।
3, 2, 1 एंड तो गाइज मैं दोबारा से लॉन्च कर रहा हूँ अपने बर्स वाले बेबलेट को, जो कि लॉन्च नहीं सही हुआ है मेरे हिसाब से, बढ़िया नहीं लॉन्च हुआ है ये। सो गाइज 1, 2, 3 एंड सो गाइज इस बारी मैं जो बर्स वाला बेबलेट है वो लॉन्च बहुत बढ़िया हुआ है, बट मेटल वाला बेबलेट हमारा स्टेडियम से बाहर चला गया। तो एक बारी फिर से हम बैटल करवाएंगे इन दोनों की, जिससे आपको दोनों की क्वालिटी और बैटल का पता लगेगा कि कौन विन करता है। सो गाइस जल्दी से फिर से शुरू करते हैं 1, 2, 3 एंड। तो गाइस अब हुई है बैटल, तो आप देख सकते हैं जो मेटल बेबलेट है वो बहुत ही एग्रेसिव है, बट दोनों एक साथ ही हुए हैं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं आया, डिफेंस हो या स्टेमिना हो, बट दोनों एक से बढ़कर एक मुकाबला कर रहे हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट अगेन 3, 2, 1। आप देख सकते हैं मेटल और बर्स का दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला है और इसमें बर्स विन कर गया। तो अब हम जल्दी से मेटल वाले बेबलेट का जो टिप है वो चेंज करके इसको प्लास्टिक टिप से कर देंगे मेटल टिप। तो अब इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे और साथ ही में इसका जो लॉन्चर है वो उसको चेंज कर देंगे। अब हम लॉन्चर यूज़ करेंगे ब्लैक वाला, तो इससे इसकी परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। और बर्स वाले बेबलेट में जैसे आप जानते हैं इसकी टिप में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ इसका जो मोड्स हैं हम वो चेंज कर देंगे। यहाँ से हम इसको अब स्टेमिना मोड पे से हटा के अटैक मोड पे कर देंगे। तो गाइज मैंने इसकी परफॉर्मेंस चेंज कर दी है और मेटल जिलियन जेट्रॉन की और मेटल वाले की जो ट्विस्टेड टेम्पो है उसकी भी परफॉर्मेंस चेंज करके टिप चेंज कर दिया। तो गाइज अब चेक करते हैं 1, 2, 3 एंड ट्विस्टेड टेम्पो लॉन्च नहीं हुआ है, तो हम एक बार ही फिर से इसको लॉन्च करेंगे। तो ये तो मेरे हाथ में ही बर्स्ट कर गया गाइज। सो 1, 2, 3 एंड तो इस बार गाइज मेटल वाला बेबलेट विन कर गया ट्विस्टेड टेम्पो, और आप देख सकते हैं इसका स्टेमिना भी, और वो गिर भी चुका है फिर भी उस पर अटैक कर जा रहा है, इतना जालिम है ये वाला बेबलेट। अब इसको हम स्मॉल वाले अपने लास्ट टाइम इस पे रन करके देखेंगे, और इस बारी मैं चेंज करेंगे, इस बारी मैं यूज़ करूँगा अपना मेटल वाला बेबलेट लॉन्चर के साथ ब्लैक वाले, और मेरे पार्टनर यूज़ करेंगे बर्स वाला बेबलेट। सो गाइस 3, 2, 1 एंड अब हो गया गाइस बात, और फिर से बर्स वाला बेबलेट आप देख सकते हैं कि लूज कर गया है और मेटल वाला बेबलेट विन कर गया। तो गाइज हमने पहले भी अपनी वीडियोस में ये चीज़ देखी है कि जो मेटल वाला बेबलेट है वो ज़्यादा एग्रेसिवली चलते हैं और बर्स वाला बेबलेट उनके सामने कम टिकते हैं। तो गाइज कैसी लगी आपको आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत बढ़िया पसंद आई होगी। तो ऐसी ही वीडियोज़ को और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।